हेलो यार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बोजेरहाट ब्रिज में। तो ये है बोजेरहाट ब्रिज, देख सकते हो। और यहाँ से सादिक डेयरी फार्म का जो रास्ता है वो आपको मैं गाइड करने वाला हूँ कि आप लोग सादिक डेयरी फार्म आखिरकार जा कैसे सकते हैं, ठीक है? तो चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं इस व्लॉग को। लाइक जरूर कर देना, अभी पूरा रास्ता आप लोगों को दिखाएंगे तो लाइक जरूर कर दे। तो ये है भाई बोजेरहाट ब्रिज, जैसे देख सकते हो तुम लोग मेरे सामने। एंड यहाँ से हम लोगों को जो है सामने एकदम स्ट्रेट जाना है, ठीक है ना? काफ़ी अच्छा सीनरी है जैसे देखने को मिल रहा है। और आज पूरा रास्ता आपको हम सादिक डेयरी फार्म का जो है वो गाइड करेंगे, ओके? तो ये तो है बोजेरहाट ब्रिज। यहाँ से हम लोगों को एकदम जैसे जैसे रास्ता मुड़ेगा वैसे वैसे ही मुड़ना है। चलो एकदम स्ट्रेट जाना, हम लोगों को कहीं भी कोई भी रास्ता में नहीं मुड़ना है। जब एक रास्ता आएगा वहाँ से हम लोग को राइट टर्न लेना है, तो वो तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलो अभी सीधा जा रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं ये रास्ता में, ठीक है? तो यहाँ से अभी हम लोग आए थे, ठीक है? और ये मोड़ में हम लोग उतर गए हैं, जस्ट रॉयल इनफील्ड का जो शोरूम है उसका जस्ट यहाँ पर हम लोग मोड़ में उतर गए हैं। तो यहाँ मत जाइएगा, आप लोगों को यहाँ से राइट लेना है और राइट के अंदर हम लोग जाएंगे सादिक डेयरी फार्म। तो यहाँ पर स्ट्रेट जाओगे तो कोई और रास्ता निकलेगा, वहाँ नहीं जाना भाई। आप लोगों को यहाँ से आओगे, ये मोड़ में रुक जाओगे और ये मोदी दुकान याद रखो, यहाँ से आप लोगों को राइट ढूक करके स्ट्रेट जाना है। जैसे जैसे रास्ता मिलेगा ऐसे मुड़ते मुड़ते जाना है, ठीक है? तो चलो इसके अंदर हम लोग चलते हैं और सादिक डेयरी फार्म का हर एक जगह आप लोगों को दिखाते हैं। जब मोड़ आएगा लेफ्ट राइट वाला तब बताते हैं कहाँ आपको जाना है। तो यहाँ से अभी हम लोग सीधा जा रहे थे, पीछे से आए हुए हैं, पीछे से एकदम सीधा आए हैं। यहाँ से हम लोग इसी राइट मुड़ जाएंगे, ठीक है? जैसे जैसे जा रहे हैं, जैसे जैसे रास्ता मुड़ रहा है वैसे वैसे मुड़ते जाना है। तो यहाँ से मुड़ जाएंगे राइट, यहाँ मत चले जाना, ठीक है? यहाँ जाएंगे अभी हम लोग। देखो बोजेरहाट का जो ब्रिज है ना, वहाँ से हम लोग एकदम सीधा आए हैं। जैसे जैसे रास्ता मुड़ा वैसे वैसे हम लोग मुड़े बोजेरहाट का ब्रिज से, फिर मोड़ में उतरे, मोड़ में उतर करके कौन सा मोड़ में उतरे वो भी आपको दिखा दिए अभी। और उसके बाद राइट लिए, राइट लेने के बाद हम लोग एकदम जैसे जैसे रास्ता मुड़ रहा है वैसे वैसे मुड़ते जा रहे हैं, ठीक है? अब सादिक डेयरी फार्म जो है ना, वो आप लोग एकदम सीधा जाओगे ना तो सामने में ही बैनर दिख जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल तो देख लो, अभी हम लोग यहाँ हैं और यहाँ से जा रहे सादिक डेयरी फार्म, बहुत ही मतलब कि कम डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है, चरेश्वर के पहले है। चरेश्वर जो राइट साइड ढूक रहा है ना, उससे पहले में सादिक डेयरी फार्म है। तो चलो दिखाते हैं। देखो आप लोगों को रोड को फॉलो करना है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं हम लोग, अभी ऐसे मुड़ेंगे, जैसे जैसे मुड़ा वैसे वैसे मुड़ना है। कोई लेफ्ट राइट टर्निंग अभी नहीं लेना आपको, जब लेना होगा कोई मोड़ से तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो हम लोग को यहाँ से स्ट्रेट ही जाना है, ओके? कहीं भी नहीं मुड़ना, ये जो चौड़ा रोड है उसी को हम लोगों को फॉलो करना है। और लास्ट में आप लोगों को राइट टर्न लेना होगा जब सादिक डेयरी फार्म का बैनर दिखेगा आपको स्ट्रेट में, ओके? तो अभी तो हम लोग फिलहाल ऐसे ही सीधा ही जा रहे हैं। एंड मैं आप लोगों को वॉकिंग के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आए। बाइक में बताता तो धड़ 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 बढ़ा के निकल गया, लेकिन आप लोगों को मैं स्टेबली बता रहा हूँ, मतलब आराम आराम से, ठीक है? देखो अब हम लोग यहाँ पर मोड़ में आ चुके हैं, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ से आएगा मास कैटल फार्म, जिसका बैनर लगा हुआ है, मैं आपको हल्का सा बैनर दे दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये है मास कैटल फार्म, जो कि यहाँ से अगर हम लोग सीधा जाएंगे तो दो मोड़ आएगा, जो कि जाएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो हम लोग को सामने से जो है राइट साइड जाना है। तो मोड़ सामने से जो है बैनर भी दिखा देते हैं, पुल में बैनर भी लटका हुआ, वहाँ से हम लोग को राइट जाना ताकि सादिक डेयरी फार्म आ जाए। एक रास्ता जा रहा है लेफ्ट साइड और एक रास्ता जा रहा है राइट साइड। तो ये वाला जो सादिक डेयरी फार्म का बैनर लगा हुआ है वो आप लोगों को जाना है इस साइड, ठीक है? जो कि आप लोगों को सीधा जाकर के राइट साइड में पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं, वहाँ मत चले जाना, वो वाला रास्ता वो चले जाएगा चरेश्वर की तरफ। तो यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे, ठीक है? तो हम लोग जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे जा रहे हैं आपको दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग मास कैटल फार्म लेफ्ट साइड में पड़ेगा, उसके जस्ट दो कदम आगे दो मोड़ आएगा, लेफ्ट और राइट, राइट लिए हैं और ये गली में अभी हम लोग घुस गए हैं। और लेफ्ट जाएंगे तो हम लोग पड़ जाएगा चरेश्वर की तरफ, ठीक है? पठान कैटल फार्म जो साइड में है वो राइट साइड जाएंगे तो हम लोग चरेश्वर पड़ेगा, जिसे पठान है। और यहाँ से जाएंगे तो अरहान वगैरह पड़ेगा। तो ये हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग आपको अंदर का टूर व्लॉग देते हैं सादिक डेयरी फार्म का, हर एक जानवर को दिखा करके। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखो आ चुके हम लोग सादिक डेयरी फार्म में, ओके? बैनर वगैरह देख लो, नंबर भी देख लो, ये है नंबर, ये है नंबर, और ये है बैनर, और ये है पूरा फार्म। तो चलो सामने से नहीं पीछे से एंट्री करते हैं। पीछे से एंट्री करने का तरीका यहाँ से, तो चलो यहाँ तो भाई पूरा गाछ ही गाछ है और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। चलो तो हम लोग एंट्री कर रहे हैं। तो सादिक डेयरी फार्म का जो है ये है सबसे बड़ा बाछी, ठीक है? आप सबके सामने हम लोग यहाँ से एंट्री लिए हैं और सादिक डेयरी फार्म का सबसे बड़ा बाछी है ये वाला, देख लो, ठीक है? सबसे बड़ा बाछी 2023 का, देख रहे हो भारीपन? ओहो, सब जानवर अभी दिखाएंगे, आराम से देखो बैठ करके, शेयर कर दोगे दोस्तों के साथ। चौड़ाई देखो पीठ का, तीन हाथ, ओहो, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा बाछी है सादिक डेयरी फार्म का। थोड़ा सा हम आपको रोटेशन दिखाते हैं,
एक ये वाला है आंध्रा का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा बाछी है ये, और एक ये वाला दो नंबर में, ये भी बहुत ज़्यादा जो है एग्रेसिव है। तो हर एक जानवर आपको हम दिखा रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, तो 2023 के लिए तैयार हो रहा है आंध्रा का ये वाला। ओके, और ये भी जो है ना, ये दोनों मतलब कि बाछी है, और ये दोनों सबसे बड़ा है इस फार्म का बेसिकली। ये वाला जो है सबसे बड़ा बाछी हो गया, जैसे देख रहे हो तुम लोग, एक ये वाला है, एक ये वाला है, और फिर तीन नंबर में जो है ये वाला है, देख लो तीन नंबर का है। ओके, सबका झालर टॉप लेवल है, देख रहे हो सबका झालर। तो ये तीन नंबर, ये हो गया मैनी जो कि है चार नंबर, देख लो ये मैनी है चार नंबर, और ये पांच नंबर, देख लो झालर देखो माशाल्लाह से इसका। तो ये पांच नंबर है, सब टॉप क्वालिटी है, अभी सब तैयारी हो रहा है 2023 के लिए। झालर देखो माशाल्लाह क्वालिटी है सब जानवर में, सब जानवर में क्वालिटी है, झालर वगैरह देखो, बॉडी भारी भारी बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा भारी बाछी का, तो एक ये है और एक ये वाला है। रास्ता भी गाइड कर दिया आप लोगों को कैसे आने का है ना। तो सब जानवर आप लोगों को हम दिखा रहे लाइन से। ये वाला मैनी है, खूबसूरत मैनी है, सिंह इसका जो है गोल्डन हल्का सा पिंकिश टाइप में है। ओके, ये वाला लास्ट, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को हम दिखा दिए, सामने से तीन बाछी है तीन ठो। ये वाला भी बहुत ज़्यादा भारी है। ओके, दिखने समझ में नहीं आ रहा लेकिन लिटरली बहुत भारी है। तो जब निकला था इसका व्लॉग, सब ये सब का पूरा व्लॉग आया हुआ है, ये दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, उस वीडियो को ज़रूर देखना। अब यहाँ पर तक थोड़ा दिखाते हैं आप लोगों को, तो सब फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं। ये है एक मुंडी, तो इसका भी व्लॉग आ चुका है हम लोगों के सामने। ये मुंडी है माशाल्लाह से, और बहुत ही बड़ा अच्छा खूबसूरत मुंडी है। ओके, मामूली नहीं है ये, बहुत ही अलग लेवल का मुंडी है। तो ये देख लो आप लोग, सेकेंड नंबर में ये वाला है जो ये भी बाछी है। ओके, तो सब मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग अलग एंगल से। तीन नंबर में ये है, देख लो। अच्छा, ये वाला सब जो है ना, ये दोनों, ये सब दोनों मतलब कि यहाँ से चार पांच गाय का हम मेरा व्लॉग आया हुआ है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस आपको चेकआउट ज़रूर कर लेना। अच्छा, तो ये वाला एक है, एक ये वाला है, सब ये है पंजाब, देख सकते हो क्वालिटी, ये सब बड़ा बड़ा बाछी है, ठीक है ना। छोटा मोटा दिख रहा होगा यहाँ पर खड़ा है, लेकिन निकलेगा तब समझ में आएगा सही में। तो ये है जो बैठा हुआ है, फिर एक ये वाला भी बहुत खूबसूरत है, ये वाला जो बैठा हुआ ये भी बहुत खूबसूरत है। ओके, सामने से दिखा रहे आप लोगों को, फिर एक ये वाला छाई कलर में, एक ये वाला भी है छाई कलर में, इसका झालर बहुत अच्छा है, तो हम दिखाते हैं आप लोगों को। ओके, फिर एक ये है जो कि, ये तीनों जो है ना दोस्तों ये कच्चा में है। अच्छा, तो ये सब जो है कच्चा में है, और अगर थोड़ा भारी में बोलोगे तो एक ये है, इसका झालर बहुत अच्छा है। ओके, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टॉप, ये एक ये वाला है सबसे ज़्यादा भारी, सबसे ज़्यादा भारी है, और इसके बगल में ये वाला, ये भी दोनों अच्छा है। ओके, और फिर अगर इसके बगल में आओगे तो मेरे हिसाब से सबसे एक्टिव है ये वाला, सबसे बड़ा भी है, दिखने में समझ में नहीं आ लेकिन सही में बड़ा है। ओके, फिर एक यहाँ पर से जो है मुंडी खूबसूरत है, बहुत भयानक मुंडी है, क्योंकि इसका सीना जो है ना भाई, ओहो सीना बहुत अच्छा है इसका, बहुत अच्छा सीना है, देख रहे हो, देख लो लाइन से सब आपको हम दिखा रहे टूर व्लॉग। एक ये वाला है बाछी, तो ये भी जो है कच्चा माल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से जानवर तैयार हो रहा है, और पीछे में भी काफ़ी सारा है। एक हंसा है, वो हंसा जो है लास्ट में हम आपको निकाल के दिखा देंगे, लेकिन अभी आप लोग ये सब जानवर जो है देख चुके हो। अच्छा, ये सब जानवर में से एक ये वाला, फिर दो नंबर में ये वाला, ये तीन नंबर में, ये चौथा नंबर, और पांचवा नंबर, पांचों का मेरा वीडियो आया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये कुछ बोर्ड भी है, तो ये फार्म कुछ ऐसा है। अच्छा, फार्म के थोड़ा सा हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला है थोड़ा बैठने वगैरह का एरिया है, और ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड का जो कलर कॉम्बिनेशन, माशाल्लाह से ओनर भाई जो सारिक डेयरी फार्म के ओनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, वो काफ़ी शौकीन है जानवरों के, बहुत उनको शौक है जानवरों का, उस हिसाब से उन्होंने अपना जो है फार्म को तैयार किया है। छोटा सा कॉम्पैक्ट जगह में लेकर के उन्होंने इस जानवर को रखा है अपने फार्म में। कलर कॉम्बिनेशन पीला नीला, गेट मेन गेट ये वाला है, और कुछ यहाँ पर जानवर को स्टैंड करने के लिए एक हल्का सा थोड़ा सा उठा करके जो है पक्का किया गया है जगह में, और बैनर लगाए हैं काफ़ी, तो जो कि ना काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और दुम्बा भी देख सकते हैं आप, फार्म में जल्दी दुम्बा नहीं देखेंगे, ठीक है। फार्म में जो होता है ना जल्दी दुम्बा देखने को मिलता नहीं है, लेकिन ये फार्म में आपको दुम्बा भी देखने को मिलेगा। एक दो तीन चार पाँच, पाँच दुम्बा है ना भाई,
हाँ, 5 तो दुम्बा है और एक काल्फ भी है, ठीक है, बछिया, ठीक है। तो ये फार्म है कुछ, और देख सकते हो तुम लोग, और ये वाला जो है शेडिंग किया गया है। शेडिंग की अगर हम बात करेंगे तो हाँ, डबल लेयर किया गया है, एक ऊपर में चिमकी भी दिया गया है, नीचे में जो है वो पूरा बांस से पूरा घेरा गया है। एक लाइट भी दिया गया है, ये वाला एक लाइट है, ताकि आप लोग अगर शूट करने आए तो कोई भी दिक्कत नहीं हो आप लोगों को, ताकि दोनों लाइट दिया गया है, तो रात में भी जो है लाइटिंग काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और खाना वगैरह भी तो दिया जा रहा है, देख लो, गाजर वगैरह। लेकिन आपको थोड़ा सा बैल भी दिखा देते हैं, एक नंबर बैल है ये, एक नंबर बैल है ये, बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। ये दो नंबर है, ये हो गया तीन नंबर, बड़ा बड़ा बैल है सब, सबका व्लॉग आया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देखो, फर्स्ट लिंक पर सबका व्लॉग है। ओह, ये है कपीला, सब तैयार में है, ये वाला कपीला हो गया। सबसे बड़ा भयानक बैल ये है, देख रहे हो, सबसे बड़ा भयानक बैल है। अच्छा, अब 5 नंबर में जो है वो ये है, और जो कि आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, ये देखो, ये भी काफ़ी बड़ा बैल है। ओके, सबसे बड़ा बैल है ये, सबका व्लॉग आया हुआ है मेरे पास, मतलब कि मैं बनाया हूँ, और देख सकते हो तुम लोग, सब टॉप क्वालिटी हाइट है। यहाँ से अगर हाइट देखोगे ना, देखो कितना हाइट है सबका, सबका हाइट टॉप लेवल है। और ये सब बैल है, देख लो, तो एक टूर व्लॉग के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक ये भी बछिया है, देख रहे हो खूबसूरती, देखो माशाल्लाह। ओहो, तो ये सब आपको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा बौना भी दिखाते हैं, ताकि आपको बौना भी जो है वो दिखे। देखो ये है बौनी, ए चेहरे की खूबसूरती देखो इसकी, ए एक ये है, एक ये वाला है भाई साहब, ओए चलो चलो, ए देखो, ओए 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 ओए, ये देखो भाई, ओए ये देख रहे हो बौनी, देखो क्वालिटी, देखो बौनी का, आ हा हा हा, खूबसूरती देखो, मतलब एक चेहरे से जो खूबसूरती है ना इस बौनी का, वो बहुत ही अच्छा है। ओके, एक ये है, एक ये बौनी है, एक ये वाला है जो कि देख रहे हो तुम लोग, और कुछ यहाँ पर एक हंसा है, हंसा दिखाते हैं, देखो ये देखो इसको, इसको देखो, देखो देखो, सब बैल का क्वालिटी है, सब बैल है यहाँ पर, एक ये दो ये तीन ये चौथा जो कि कपीला है, एंड ये पछुआ। सबसे हाइट में अगर बात करोगे तो ये है सबसे हाइटेड। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा और घुमाता हूँ, ये एक मुंडी हो गया, सब यहाँ पर मतलब कि जानवर है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, अपने फार्म में लेकर के तैयार करना चाहते हैं, या फिर आप लोग अपने जानवर को पलाई में रखना चाहते हैं, दूर से देख रहे हैं, तो भाई कॉन्टैक्ट डिटेल सब दिया रहता है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखो ये जानवर खड़ा हो गया, सबका व्लॉग आया हुआ है मेरे पास, पंजाब आंध्रा मिक्स है सब, देख सकते हो तुम लोग। और सब जानवर को अभी खाना दिया जा रहा है, आलू वगैरह कटा रहा है, देख रहे हो। तो ये फार्म का एक रकम से हम आपको टूर ही दिखा रहे हैं। ओके, फार्म देखो कितना खूबसूरती से ये फार्म बनाया गया है, क्योंकि ये कलर जब कंबाइन होता है ना, तो अच्छा ही बहुत अच्छा लगता है। जो पीला कलर जो होता है वो बहुत ही ब्राइट कलर होता है, और उस पर जब सनलाइट गिरता है तो भाई निखर के आता है ना, इसीलिए भाई फार्म को ऐसा बनाया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग दुआ करेंगे ये फार्म जो है ग्रो हो और आगे बढ़े, आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। एंड ये सब जानवर जो है ये टॉप क्वालिटी का सब, ये और ये तीनों सबसे बेहतरीन है, भारी भारी है। ओके, और देख ही सकते हो तुम लोग, ये देखो क्या ही क्वालिटी, फ्रेम मार रहा है, तीनों खा रहा है, क्या ही लग रहा है। चलो चारों को ले लेते हैं, ये देखो अच्छा लग रहा है ना। तो ये सब है, और वहाँ से जो है एक नंबर, और उसके बगल में जो छाई कलर का वो दो नंबर, दोनों मतलब के ना अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुंडी एक तो रखे जो वो अलग ही खूबसूरती है भाई उसका, है ना। तो ये कुछ फार्म है, देख सकते हो तुम लोग मेरे पीछे। अच्छा, हम फार्म के बारे में थोड़ा बता रहे हैं आप लोग, जैसे कि टूर व्लॉग अभी दे रहे हैं हम आपको, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बोजरहाट हम लोग आए, ठीक है, तो बोजरहाट से ब्रिज से हम लोग एकदम सीधा आए, जैसे जैसे रास्ता मुड़ा उसका आप लोग, तो हम लोग वहाँ फिर मोड़ में उतर के राइट लिए, राइट। तो भाई देखो ये वाला हंसा अभी आपको निकाल के दिखा रहे, जो कि न्यू एंट्री आया है, ठीक है, ये न्यू एंट्री है फार्म में, ये हंसा बैल। ओहो हो, खूबसूरती देखो, थाप देखो, सलामी देखो, हर चीज़ में हर एतबार से जानवर को देखो। अच्छा, ये जो न्यू फार्म एंट्री है, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और ये हमारे जो है ये पांचों बैल में से ये नया आया, ये नया मेंबर है फार्म का, सादिक डेरी फार्म का। और ये इसके सबसे पहले फेस की तरफ गौर करो आप लोग, ओके, फेस देखो, और ये थाप देखो यार, ओहो हो, थाप देखो। चलिए चलाइए भाई, अब आप लोग इसको चलने का अंदाज देख रहा, माशाल्लाह। हंसा बैल, न्यू एंट्री ऑफ सादिक डेरी फार्म,
देख रहे हो तुम लोग। तो ये सब नया नया एंट्री आया है फार्म में और काफ़ी बड़ा फ्रेम का जानवर है। चौड़ाई जो है पीठ का मैं आपको दिखाता हूँ इसका कि इस हिसाब से जो है जानवर बनेगा। ओके तो चौड़ाई देख लो, दो हाथ है माशाल्लाह से। और सबसे अच्छी चीज़ जो लगी ना सामने का जो ब्यूटी है, झालर बोलो और सलामी जो है ना पीक है पूरा पूरा एकदम लटका हुआ। ओह हो, तो चूजिंग अच्छा हुआ जानवर का, काफ़ी अच्छा हंसा है ये वाला देख लो। और सामने का थोड़ा फ्रेम देखो। ओके सलामी पर गौर करो। ओह चलो चलो अब चलाया जाए, चलाइए भाई इसको थोड़ा। ये जो टूर व्लॉग हो रहा है भाई आराम से, और ये लोग भी देख रहे हैं इसके दोस्त लोग कि जो है ये हमारा नया फ्रेंड आया है फार्म पे। और ये सब भी अच्छा, ये वाला बैल अब कहाँ बंधाएगा, यहाँ पर अच्छा पीछे में। तो भाई देखो ये वाला है नया हंसा बैल जो कि आया, और इस टूर व्लॉग का थोड़ा तो इंटरेस्टिंग पार्ट होना चाहिए इसीलिए मैं इसको निकलवा दिया आप लोगों के लिए। सामने का जो ब्यूटी है वो काफ़ी अच्छा है। तो चलो अब इसका लास्ट एक बार देख लो आप लोग, ले जाइए। पूरा पांचों का पांचों बैल एक लाइन में। ओके देख ही सकते हो तुम लोग। ओके एंड भाई सलामी पे आप लोगों को फोकस करते हैं। तो कुछ ऐसा है,
माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। अभी जो बैल खा रहा है ये सीन आपको देखने को मिलेगा, ये देखो पांचों बैल जो है खाना खा रहा है अपना, और देख सकते हो क्या ही अलग लेवल का लग रहा है। और ये जो है ना बहुत बदमाश है, इसको खाने नहीं देता है, और ये बेचारा जो है फंस जाता है बीच में, क्योंकि ये दोनों भाई बड़ा बड़ा बैल है और ये बेचारा बीच में फंस जाता है और डरता है खाने में, है ना। तो ये सब टॉप क्वालिटी बैल है अल्हम्दुलिल्लाह से सादिक डेयरी फार्म का। ये एक मैनी है, आंध्रा का भी है, देख सकते हो तुम लोग सब बड़ा बड़ा बाछी है। ओके ये सबसे बड़ा है, लेकिन ये निकलता है ना भाई, वहाँ निकला था ना रात में, अलग लग रहा था ये। ओके तो ये सब पाँचों है, और इस तरफ से अगर हम बात करेंगे तो साइड से चलते हैं, और अगर हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर आएंगे ना, ओहो अलग ही शांति है भाई, बहुत शांति, अलग लेवल का। ओके पूरा मतलब कि नहीं का देखो, बोझेरहाट क्या है ना, बोझेरहाट में जब अगर तुम लोग आओगे ना तो आप लोगों को गांव ग्राम का एरिया ज़्यादा दिखेगा। अभी जा करके बोझेरहाट डेवलप हो रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपना अपना फार्म्स ओपन कर रहे हैं, लेकिन बोझेरहाट पहले एकदम एकदम पहले ग्वालबाड़ी के नाम से मशहूर था, मतलब लोग गाय पालते थे यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर जो है बहुत पहले पहले का जो ग्वाला लोग है वो अभी भी है अंदर अंदर में। ओके और यहाँ पर जो शांति आपको मिलेगी ना, कभी कभी यहाँ पर आ करके आप लोग अकेला बैठो पूरे पेड़ पौधों के सामने बीच में बैठ करके, हम थोड़ा आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं। देखो ये जो पोर्शन है ना, ये चारों तरफ से मतलब कि घिरा हुआ है, ये देखो चारों तरफ से, और एक दो तीन चार पाँच छः चारों तरफ से एक मतलब समझ लो हॉल टाइप का लग रहा है। देखो चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये सब पिलर्स का काम का, मतलब कि अलग लग रहा है, और ये पूरा ग्राउंड है। तो ये काफ़ी अच्छी मतलब के लोकेशन है जहाँ पर सादिक डेयरी फार्म है, एंड जब तो पिछाली वगैरह रखा हुआ है, तो एक रकम का हम आपको टूर व्लॉग ही दे रहे हैं। ओके ये फार्म का, तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोगों को हम रास्ता के साथ हर जानवर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानवर का सीना यार मेरा दिल भर जाता है कभी कभी। तो ये था जो है सादिक डेयरी फार्म का टूर व्लॉग, इसमें एक नया हंसा आया है जो कि मैं आपको अभी इस व्लॉग में दिखा दिया, इस टूर व्लॉग को दिखा दिया, मतलब आप लोगों को हंसा को निकाल के भी जाके आप, ताकि आप लोगों को जो है उसका क्वालिटी समझ में आए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये फार्म जो है ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि फार्म हो तो ऐसा हो, क्योंकि भाई कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो बनाया गया यहाँ पर शूटिंग का एरिया और खटाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ वो काफ़ी अच्छा है, लोकेशन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, शांत जगह में है। एंड अब भाई लोग भी भाई बहुत बहुत मेहनत करते हैं जब भी हम बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए, उनका भी हम दिल से शुक्रिया करते हैं जो कि यहाँ पर वर्कर्स है। ओके तो इनको भी बोलते हैं हम भी कि भाई आप बहुत मेहनत करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जब भी हम कुछ जानवर निकालने के लिए बोलते हैं आप मतलब आराम से निकाल देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है हर जानवर को मतलब निकाल के दिखाना, क्योंकि आप लोग भी तो देखते हो भाई, आप लोग को भी एक क्वालिटी समझ में आना चाहिए। तो ये था भाई सादिक डेयरी फार्म का टूर व्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि शेयर करते हो ना भाई एक मोटिवेशन मिलता है, तो शेयर ज़रूर कर दो यार। एक मिनट लगता है यार, एक सेकेंड लगता है, 10 सेकेंड लगता है, शेयर कर दो, इससे औरों को भी पता चलेगा भाई का चैनल है, सपोर्ट दिखाओ, लाइक ज़रूर करते जाओ, लाइक तो कर ही सकते हो तो लाइक ज़रूर ठोको, एक सेकंड लगा लाइक ठोको यार, लाइक ठोकते हो तो भाई दिल से खुशी मिलती है जब लाइक आता है वीडियो में, तो लाइक ठोकते जाओ, शेयर कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारे चैनल को, अगर हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये था सादिक डेयरी फार्म का टूर व्लॉग। ओके चलो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया।